Good morning, students. My name is Mr. Ravi Sharma, and you are watching your own channel, Physics for You. Today's topic is magnetic field at the center of a coil due to Biot-Savart law. हमें एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पता करना है. हम क्या यूज करेंगे इसके लिए? Biot-Savart law. What is Biot-Savart law? पिछली वीडियो के अंदर आपने Biot-Savart law स्टडी किया था. What is Biot-Savart law? उसकी एप्लीकेशंस में फर्स्ट पार्ट होता है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. फॉर्मूला DB equals to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. This is what Biot-Savart law. अब हमें कैसे लिखना है? सबसे पहले थ्योरी लिखनी है. यू विल ड्रॉ अ डायग्राम. एक सर्कुलर कॉइल ली. इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है? r. करंट I फ्लो कर रहा है इसके अंदर. इस पूरे सर्कुलर कॉइल का एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ले लेना है, दैट विल बी dl. अब इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट dl की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना, पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से कितना, कैसे होगा? db इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर साइन 90. db equals to mu 0 upon 4 pi I dl upon r square. छोटी सी वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना, पूरी कॉइल की वजह से कितना, कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इधर की तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर की तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए. आई डी एल अपॉन आर से लिमिट्स 0 से लेके बी, लिमिट 0 से लेके एल. इंटीग्रेशन डी बी लिमिट 0 से लेके बी. म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर, यहाँ क्या आ जाएगा? डी एल. ओपन आउट करेंगे db का हो जाएगा b, लिमिट्स 0 से लेके b, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर. इंटीग्रेशन का निशान हटेगा, स्क्वायर l, लिमिट्स 0 से लेके l. तो यहाँ से b की क्या वैल्यू आ जाएगी? एक बार यहाँ b पुट होगा, एक बार लोअर लिमिट म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू, एक बार यहाँ L पुट होगा, एक बार यहाँ 0 होगा, L माइनस 0. सो इट विल बी B इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू लेंथ. पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. आर से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई से ये गया, एंड अल्टीमेटली B विल बी हाउ मच? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. This will be the magnetic field at the center of a current carrying coil having radius r, mu not I upon 2r. अब अगर n turns हों, कितने turns हैं यहाँ पे? n, तब क्या होगा? b equals to mu not I upon 2r into n. n से multiply कर दो, the final formula will be mu not n I अपॉन 2r. ओके, अब एक जनरल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं यहाँ से. b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर. हम यहाँ इस वाले स्टेप को फिर से ले आए. अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई. 2 पाई क्या हो गया? पूरा का पूरा सर्कल, और n टर्न्स हो तो इंटू n. यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला, 2 पाई क्या है? पूरा का पूरे सर्कल पे. हो सकता है कॉइल इस तरीके की हो,
सिर्फ छोटा सा एंगल बन रहा हो, इस तरीके से एंगल्स बन रहे हो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बी का, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई।